My name is Ishan Sheikh. I am a BMM student. So my question is, sir, जैसे कि लोग अल्लाह को देखे नहीं but Islam में मानते हैं. जैसे और कोई घर में जिसमें अल्लाह को जैसा गौरव जी ने देखा नहीं but मानते हैं. इस स्टूडेंट का सवाल बहुत अच्छा है. इनका कहना है कि मुसलमान अल्लाह को बगैर देखे मानता है, जिसका आकार प्रकार नहीं है, निराकार है. इस सवाल में एक सवाल का जवाब भी मिल रहा है. इन्होंने कहा कि क्या और मजहब में भी बगैर अल्लाह को देखे, बगैर ईश्वर को देखे मानते हैं? अगर बगैर देखे मानते हैं तो पता ये चला सबका मजहब सिर्फ इस्लाम से. आइए सबसे पहले हम हिंदू धर्म की किताबों में देखते हैं. रामचरितमानस खंड नंबर 33, अध्याय नंबर 3, दोहा नंबर 118, सब दोहा नंबर 3 और 4. बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करे कर्म विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पानी पकता बढ़ जोगी, तन बिन परस नैन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिन वास शेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी. तर्जमा सुनिए. ओ ईश्वर, इस शंकर पार्वती संवाद है, रामचरितमानस में है. गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पार्वती जी पूछती है शंकर जी से, वो ईश्वर कैसा है? आपने कहा वो ईश्वर बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर हाथ के नाना प्रकार के काम को करता है, बगैर जिह्वा के बोलता है, बगैर जिह्वा के स्वाद लेता है, बगैर नाक के सूंघता है, बगैर जिस्म के पकड़ता है, बगैर हाथ के छूता है. पता ये चला वो बगैर आंख के देखता है, उसकी महिमा अपरंपार है. हदीसे कुदसी है, जब बंदा फराइज की अदायगी के साथ साथ नवाफिल में कसरत करता है तो अल्लाह उसका हो जाता है. हदीस के जुमले ऐसे हैं कि जब वो चलता है तो अल्लाह उसका पैर हो जाता है, पकड़ता है तो अल्लाह उसका हाथ हो जाता है, देखता है तो अल्लाह उसकी आंख हो जाया करता है. जबकि अल्लाह हाथ से, पैर से, आंख से पाक है, यानी अल्लाह की कुदरते कामिला. चलता है बंदा, पैर होता है बंदे का, कुदरते कामिला अल्लाह की होती है. देखता है बंदा, आंख बंदे की होती है, लेकिन उसमें पावर कुदरत कामिला अल्लाह का होता है. पकड़ता है वो, हाथ उसका होता है, लेकिन कुदरत कामिला अल्लाह की होती है. इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे हैं, सूरह यासीन का विर्द आपने किया, कंकरी पर पढ़ा और फेंक दिया, सब अंधे हो गए, अल्लाह के रसूल गुजर गए. कुरान ने कहा वमा रमैत इद रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, वमा रमैत इद रमैत वलाकिन अल्लाह रमा. अरे मेरे महबूब, जो आपने फेंका आपने नहीं फेंका, हमने फेंका, यानी हाथ से अल्लाह पाक, हाथ मेरे रसूल का, कुदरत कामिला मेरे अल्लाह का. सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह. बैत रिजवान के मौके पर जब उस्मान गनी रदिल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया, शोर हो गया कि आप शहीद कर दिए गए, अल्लाह के रसूल ने बैत ली, बैत रिजवान. अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरा हाथ, मेरे उस्मान का हाथ. अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका आईदीहिम, अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका आईदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर. ऐ महबूब, वो हाथ आपका हाथ नहीं, मेरा हाथ, यानी अल्लाह का हाथ से पाक है. अल्लाह के पास हाथ नहीं है, जिस्म से पाक है. कुरान कह रहा है लैस कमिस्ली शय, उसके जैसा कोई नहीं है. पता ये चला है मेरे महबूब, हाथ आपका है लेकिन पावर हमारा है, कुदरते कामिला मेरी है. तो पता ये चला, शंकर जी भी कह उठे वो ईश्वर निराकार है, वो नजर नहीं आता.
वो नजर नहीं आता, पता ये चला वो ईश्वर दिखता नहीं है, फूलों में खुशबू की तरह है, फूल नजर आता है खुशबू नजर नहीं आती, हवा की तरह है हवा चलती है हवा नजर नहीं आती, लेकिन पत्ते जब हिलते हैं तो पता चलता है हवा चल रही है। दरवाजे चक्कर हु है सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, यानी किसी ने नहीं देखा है। ऑक्सीजन जो प्राण वायु कहते हैं, लाइव गैस कहते हैं, ऑक्सीजन को किसी ने नहीं देखा। इस हवा में 20.90% मौजूद है, अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन हमें न मिले तो हम स्वाहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसी ने ऑक्सीजन को नहीं देखा, मानते हैं कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कमी हुई, आलूदगी बढ़ी तो दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन को नहीं देखा मानते हैं, खुशबू को ना देखा मानते हैं। इसलिए अल्लाह ही दिखता नजर नहीं है, नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह मौजूद है। कुरान कह रहा है वनहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, चैप्टर नंबर 50 वर्स नंबर 16 सूरह काफ, हम तुम्हारे शहर रथ से भी ज्यादा करीब है। आई एम क्लोजर टू यू इवन द जगलर वेन, हम तुम्हारे शहर रथ से भी ज्यादा करीब है। तो पता ये चला इनके यहां भी तस्वूर यही है कि वो निराकार है। खंड नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1 श्वेताश्वतर उपनिषद, एकमिवद्वितीयम्, वो अल्लाह एक है। और फिर फरमाया गया श्वेताश्वतर उपनिषद, छंद हो गया उपनिषद, खंड नंबर 6 श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 1 एकमिवद्वितीयम्, वो अल्लाह एक है। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में फरमाया गया अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 न चास्य कश्चित् जनिता न चतिपत्, न तो उसका कोई ईश्वर है न तो कोई पिता है, वो खुद ईश्वर है। और फिर श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में है न कास्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति क्यों नहीं है, इसका जवाब आगे वाले श्लोक में है। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 20 न समुद्र से ती स्थाति रूपमस्य न चक्षुषा पाशाति कस्कनैनम, उसका रूप ऐसा है कि कोई देख ही नहीं सकता, जब देख नहीं सकता तो बगैर मॉडल के मूर्ति बनाएगा कैसे। यजुर्वेद में आया चैप्टर 32 वर्स नंबर 3 ना कास्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 10 अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 में है यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम असम्मूण समर्थेषु सर्व पापाय प्रमुच्यते, जो मुझे अजन्मा जानता है, न तो मेरा आदि है न तो अंत है, वही खुशहाल है और तमाम पापों से मुक्त है। तो पता ये चला इनके यहां भी फरमाया गया एक ईश्वर है, एक खुदा है। और फिर फरमाया गया अधर्व यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में अंधात्मा प्रवी शांति संभूति उपासते स्वाहा, वो घोर अंधकार में जाते हैं जो ईश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, सूरज चांद गंगा जमुना तुलसी पीपल, इसे सब ईश्वर ने बनाया। पूजा होगी, वंदना होगी, स्तुति होगी, प्रार्थना होगी, इबादत होगी, तो सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जो निराकार है, फूलों में खुशबू की तरह है, हवाओं की तरह है, नजर नहीं आता। तो इनके यहां भी बताया गया वो एक है, निराकार है। और सिख धर्म में बताया गया अनमैनिफेस्ट फॉर्म में एक ओंकारा, गॉड इज ओनली वन, एक खुदा। मैनिफेस्ट फॉर्म में ओंकारा, एक खुदा, जिसे सतनाम कहते हैं, करीम कहते हैं, रहीम कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, वाहे गुरुजी कहते हैं। यही नहीं, पारसी धर्म में एक खुदा का तस्वीर, जिसे आहूरा मजडा कहते हैं। आहूरा का मतलब खुदा, मजडा का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान खुदा। रतन टाटा जी पारसी हैं, इसलिए उनकी गाड़ी का नाम मजडा है। मजडा का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान गाड़ी। उनके खुदा का नाम है आहूरा मजडा, बुद्धिमान खुदा। तो पता ये चला जहां तक ईसाइयों का मानना है, उनके यहां तीन खुदा है, एक खुदा खुद, दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को गैब्रियल द होली घोस्ट। उन्होंने तीन खुदाओं को माना, जबकि खुदा हकीकत में सिर्फ एक है। यहूदियों ने अल्लाह को खुदा पे एक माना और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा माना, वहां पे गड़बड़ कर गए। पता ये चला हकीकत में हर जगह एक खुदा का तसव्वुर है, और वो अकेला एक है।
है, सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला कायनात का रचयिता है और वो निराकार है। लेकिन जब किताबें पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा। मालूम ये हुआ कि जिन्हें नहीं मालूम, हमारा फर्ज होता है बताए कि भाई हमारा तुम्हारा खुदा सिर्फ एक है। इसलिए साईं बाबा पुकार उठे, सबका मालिक एक और हम सब एक है। पैगंबर आजम ने फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सारा संसार एक घर है। और आपने फरमाया, हिंद से मुझे खुशबू आ रही है। पता ये चला, संस्कृत ने कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक घर है। भारत वाले भाई बहन नहीं है, सारे संसार वाले भाई बहन हैं और सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है। इन शॉर्ट मेरा स्लोगन है, हम सब एक हैं। एक अल्लाह के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है अल्लाह की जो मालिक है सारे जहान का। और अल्लाह के रसूल वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत। और एक किताब सिर्फ दाढ़ी वाले मुसलमानों के लिए नहीं, इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, एक किताब सारे आलम के लिए नसीहत है। पता ये चला, अल्लाह सबका रब, पैगंबर सबके लिए रहमत, और जो किताब लाए वो सबके लिए आखिरी किताब। इसलिए इस्लाम एक यूनिवर्सल मजहब है, सार्वभौमिक मजहब है, वैश्विक मजहब है, शाश्वत मजहब है, सनातन मजहब है। इसलिए फरमाया गया इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब पसंदीदा मजहब इस्लाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।